हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरके राव जोधपुर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध संबोधि धाम जो कि कायलाना रोड पे है स्थित है, तो आज हम आपको यहाँ की सैर करेंगे और यहाँ के बारे में आपको घुमाएंगे। यहाँ के अंदर बहुत ही अद्भुत बगीचे बाग बगीचे बने हुए हैं, उनके बारे में आपको बताएँगे और सारी जानकारी आपको देंगे। अभी हम दरवाज़ा को खोलेंगे, ये अपने आगे अंदर। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये संबोधि धाम है, सकते हैं यहाँ पे चतुर्मास भी चल रहा है 10 जुलाई से 31 जुलाई 9 से 10:30 बजे, ये डेली यहाँ होता है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ये देख सकते हैं राष्ट्रीय संत श्री चंद्र प्रभा जी के द्वारा ये श्लोक लिखे गए हैं। ये यहाँ का बगीचा है, बहुत ही अद्भुत, आपको ये हर जगह पे श्लोक मिल जाएंगे जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये सरस्वती माता की मूर्ति भी बनाई गई यहाँ पे, देख सकते हैं काफ़ी अद्भुत हैं, अभी आपको दिखाएंगे मूर्ति। सरस्वती पीठ ये जिन्होंने बनाई उनका शिला लेख है, ये देख सकते हैं। यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, पूरा गार्डन बना हुआ है। तो गाइस अभी हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, ये देख सकते हैं बहुत शानदार बना हुआ है। तभी हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये श्लोक पढ़ सकते हैं आप। अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो ये गांधी जी के तीन बंदर आ गए हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो। लेकिन आज की ज़माना ऐसा है, इसके सब विपरीत चल रहा है, सब बुरा देखते हैं, बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, ये श्लोक एक और आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये श्रवण जी हैं जो अपनी माता पिता को लेके जा रहे हैं, और ये इसके बगल में अपना भारत है, पूरा वर्ल्ड है, विश्व है।
आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये संबोधि धाम बने हुए हैं। संबोधि धाम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और देखते रहिए हमारे YouTube के वीडियो आर के राव जोधपुर। तो मिलते हैं गाइस अगले हम नेक्स्ट ब्लॉग में।